Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। टैटू टैटू यू माय लिटिल हार्ट, स्कूल जा रहे हो? बड़ा प्यार हो रहा है पापा से और मम्मी को कुछ भी नहीं। मम्मी को भी किसी कह दो और पापा को, पापा भी आपको करते हैं ना। अब अच्छे से स्कूल जा रहे हो, कंप्लेन नहीं आने से, ठीक है? चलो अब जल्दी आ जाओ नीचे, पापा को जाना है मीटिंग के लिए और हमें जाना है पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए। ये भी पहनो। रीता जी, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे बिल्कुल भी नहीं, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड। वैसे भी इतना भी इम्पोर्टेंट दिन नहीं है, मुझे पता ही है वहाँ क्या होने वाला है। इसकी नई टीचर आई है, 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। इसने बहुत सारी बदमाशियां करके दिखाई होंगी, वो सारी बदमाशों की कंप्लेंट मेरे आगे खोल देंगी और कहेंगी ये करती है वो करती है, बस सुन के आ जाओगी। तो फिर तो अच्छा है आप नहीं आ रहे, आपसे तो ज्यादा डांट पड़ेगी, अब तो मुझे कम डांट पड़ेगी ना। कितनी बातें बनाती है। चलो अभी स्कूल का टाइम हो गया, लेट्स गो, देखते हैं कितनी कंप्लेंट होती है। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हेलो ऋषभ जी, आप टाइम पे ऑफिस आ जाएंगे ना? अंजलि, 20 सालों में मैं कभी लेट नहीं हुआ। ऑफ कोर्स मैं टाइम पर आऊंगा, डोंट वरी। मेरी पहले आप लोगों के साथ मीटिंग है और उसके बाद फिर कुछ फॉरेन क्लाइंट्स आ रहे हैं उनके साथ मीटिंग। अब ठीक है, ऑफिस में मिलते हैं फिर। हाँ अर्जुन, मैं भी घर से निकल ही रहा हूँ, आई विल सी यू देयर। रीता, ये देख काव्या ने क्या किया है, आज इसने बादाम नहीं खाए और इतनी बदमाश हो गई है, इसने सारे बादाम रूम के कोने में फेंक दिए थे। अच्छा जी, ठीक है, वो जो नई टीचर आई है ना, उनको बताती हूँ कि आप क्या करते हो बादाम के साथ, कभी कोई खाने की चीज रूम में फेंक देता है। हाँ? यस। चल, लेट्स गो। बाय। चलो। बाय दीदा। बाय मेरे बच्चे। बाय। टेक केयर। ड्राइवर भैया, चलिए। आराम से लेके जाना प्लीज, आराम से। ऋषभ, तुम जरा फोन पे आओगे प्लीज? हाँ हाँ। मैं ऑफिस टाइम पे पहुंच जाऊंगा, तुम पहुंच जाओगे ना? हाँ ओके अर्जुन, बाय, आई विल सी यू देयर, बाय। ओके। ओके, बाय। 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 तुम्हें अगर लेट होगा तो मैं ऑफिस चली जाती हूँ। हाँ मुझे आधा घंटा लगेगा, तुम जाओ। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ क्योंकि मीटिंग से पहले कुछ चीजें हैं जो मुझे रेडी करनी है और ये फाइल्स लेकर जा रही हूँ मैं। ठीक। कि मुझे क्या हो जाता है बार बार, क्यों ऋषभ प्रीता के करीब आता है तो आज भी मुझे इतना गुस्सा आता है। उन दोनों की शादी हो चुकी है फिर भी ऋषभ उससे करीब जाता है तो मुझे इतना बुरा क्यों लगता है, क्यों? ये सब इसलिए हो सकता है मैं उसे इतनी नफरत करता हूँ। जिंदगी में दो ही चीजें तो याद रह जाती है, एक दोस्ती एक दुश्मनी। शायद ये सब उस दुश्मनी की वजह से। प्रीता को देखिए, मैं इतना नर्वस क्यों हो रहा हूं? प्रीता ही तो है, कोई गैर तो नहीं? सुन ले ओ माहिया, सुन ले ओ माहिया, दिल की धड़कन है क्या, सुन ले ओ माहिया, दिल से सजदा तेरा, सजदा तेरा धड़कनों
सपनों की सदा सुन ले ओ माहिया माहिया। काव्या क्या करो, बाहर लोग परेशान हो जाएंगे। काव्या मत करो ऐसे, बाहर किसको देख के स्माइल दे रहे हो? हाँ जो है ना वो मेरे फ्रेंड है। काव्या आपको कोई देख कर स्माइल करे इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका फ्रेंड है, ओके? पर वो मेरी फ्रेंड ही थी। अच्छा ठीक, सबको फ्रेंड बना लिया कर। हाँ सब तुम्हारे फ्रेंड, सब फ्रेंड है। अर्जुन भी ना मैं कुछ बोलती नहीं हूं ना तो ज्यादा फायदा उठाता है। केबिन ऐसे कोई रखता है क्या? सारी फाइल्स मिक्स करके रखी हुई है। अर्जुन तुम आखिर चाहते क्या? तुमने ये फोटो अपने पास रखी है इसका मतलब तुम अभी भी प्रीता के लिए कुछ फील करते हो। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंजलि। गुड मॉर्निंग। कुछ छुपा रही है मुझसे? नहीं वो बस ये फोटो। ओ बॉयफ्रेंड के? और नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कैन आई सी? अरे पता तो लगे कितना हैंडसम है, क्या करता है, क्या पता मैं जानता हूँ, कुछ जान पहचान निकला है। कैन आई सी? जस्ट नहीं नहीं प्लीज। एनी प्रॉब्लम? मुझे लगा हम लोग दोस्त हैं, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। देख सकता हूँ? अब नहीं प्लीज। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आपको इतना स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं, इट्स फाइन। मैं वैसे भी किसी की पर्सनल में इतना इंटरफेयर नहीं करता, बस जस्ट किडिंग। मुझे सिर्फ जानना था कि वेयर इज अर्जुन। अर्जुन हम लोग को मीटिंग शुरू करना। अर्जुन बस आता ही होगा। आप बैठिए ना प्लीज। ओके हेलो, जल्दी से पानी भेज दीजिए प्लीज। मुझे लगता है कि शायद ट्रैफिक में फंस गया होगा इसीलिए। मैं भी अभी ट्रैफिक में फंस गया था। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।